मंडी शहर में बाल मजदूरी करने और भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए मुहिम चलाई है, जिससे शहर में अब कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। और गरीब बच्चों की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए मंडी नगर निगम ने ये पहल की है। नगर निगम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर ऐसे बच्चों की पहचान करेगा और उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद महापौर वीरेंद्र भट्ट मंडी शहर में कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे, इसके लिए नगर निगम की ओर से ऐसे बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कोई भी बच्चा शहर में बाल मजदूरी व भीख ना मांगे, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम का उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी बच्चा जो है शिक्षा के बिना नहीं रहना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी बिना छत के नहीं रहना चाहिए। इस बारे सभी माननीय पार्षदों ने और हमारे विभागों से आए हुए एक्सपर्ट ने अपने अपने विचार रखे। मेरा आम जनता से भी निवेदन है कि आपके आसपास कोई अनाथ बच्चा है, शिक्षा से वंचित है या कोई और किसी भी असुविधा का सामना कर रहा है, तो आप कृपया वेलफेयर विभाग को, बाल विकास विभाग को और नगर निगम में बताएं। नगर निगम मंडी हर व्यक्ति हर बच्चे की सुविधा का ध्यान रखते हुए उनके हर सुख दुख में उनके साथ है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को 1,65,00,000 रुपए के सस्ते ब्याज दर पर लोन दिया गया है, जबकि व्यक्तिगत तौर पर 265 लोगों ने ही इसका लाभ उठाया है, जिसकी कुल राशि 2,71,00,000 रुपए है। मंडी से सूर्य समाचार के लिए वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।